नमस्कार, द नगरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की राजनीति से सबसे बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव के नामांकन वाले दिन सचिन पायलट के निजी जीवन के खुलासे ने सबको चौंका दिया है। जी हां, आपने सही सुना, पहली बार सचिन पायलट के निजी जीवन की बात सामने आई है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस कार्य समिति मेंबर सचिन पायलट अब पत्नी सारा पायलट से अलग हो चुके हैं। ये सारा खुलासा पायलट के चुनावी एफिडेविट से हुआ, जिसमें उन्होंने टोंक विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरने के बाद दिए एफिडेविट में पत्नी के नाम के आगे तलाकशुदा लिखा। आपको बता दें, सचिन पायलट और सारा के बीच तलाक हो जाने की जानकारी पहली बार सार्वजनिक हुई है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि तलाक कब हुआ। सचिन पायलट के दोनों बच्चे उनके पास हैं। पायलट ने एफिडेविट में डिपेंडेंट के तौर पर दोनों बच्चों आरएन पायलट और विहान पायलट के नाम लिखे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त यानी नवंबर 2018 में दिए गए एफिडेविट में सचिन पायलट ने पत्नी के नाम के कॉलम में सारा पायलट लिखा था। दिसंबर 2018 में सचिन पायलट ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। उस समय समारोह में सारा पायलट, दोनों बच्चे और फारूक अब्दुल्ला शामिल हुए थे। लेकिन जब सचिन राजनीतिक उधेड़बुन में चल रहे थे तो उनकी खबर पूरी दुनिया को थी, लेकिन उसी समय उनका पारिवारिक जीवन पूरी तरह से बिखर गया था। ये वो अकेले झेल रहे थे और कोई भी नहीं जानता था। उस दौर से निकलकर अपने राजनीतिक संकट को टालकर उन्होंने आगे बढ़ते हुए काम किया। सचिन पायलट और सारा के अलग हो जाने की चर्चाएं 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान भी चली थी। उस वक्त इन्हें अफवाह बताकर खारिज कर दिया गया था। आपको बता दें, पायलट ने सारा पायलट से जनवरी 2004 में शादी की थी। सारा भी राजनीति के धुरंधर परिवार से ताल्लुक रखती हैं। वो जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला की बेटी और उमर अब्दुल्ला की बहन है। महज 26 साल की उम्र में दौसा से पहला लोकसभा चुनाव लड़कर बड़े अंतर से जीतकर सबसे युवा सांसद बनने वाले पायलट की प्रेम कहानी पूरी तरह से फिल्मी है। इन दोनों की मुलाकात पढ़ाई के दौरान हुई। सचिन अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉटसन स्कूल में थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बहन सारा से हुई थी। सचिन और सारा ने जनवरी 2004 में शादी कर ली थी। अब्दुल्ला परिवार ने शादी को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। शादी के कुछ महीनों बाद ही सचिन राजनीति के मैदान में उतरे थे। इसके कुछ समय बाद अब्दुल्ला परिवार ने भी नाराजगी भुलाकर सचिन पायलट को अपना दामाद स्वीकार कर लिया था। युवा दिलों की धड़कन सचिन पायलट के नामांकन ने सभी को चौंका दिया। जितना हुजूम उनके साथ, उनकी जनसभा, उनकी रैलियों और उनके नामांकन के समय रहता है, उतना ही वो घर पर अकेले हैं। तलाक के कारणों का खुलासा तो नहीं हो पाया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में अब चर्चा का विषय जरूर बन गया है। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।